नमस्कार, मैं हूं पूजा वशिष्ठ। फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली की बहुचर्चित फिल्म पद्मावत भले ही देश में 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही हो, लेकिन ये राजस्थान में रिलीज नहीं होगी। प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने इसके प्रदेश में रिलीज पर फिर से वही बयान दोहराया है कि फिल्म राजस्थान में रिलीज नहीं की जाएगी। आइए जानते हैं प्रदेश के गृह मंत्री ने क्या कहा। देखो, राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले ही पद्मावती को रिलीज करने के लिए रोक लगा रखी है। राजस्थान में इसको नहीं दिखाएंगे। क्या और भी कोई वो है कि इसको आगे भी कोई आगे नहीं? अभी तो प्रधान मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उनका पत्र है, हमारे विभाग ने उसकी पालना की है और हम उसको करेंगे। फिल्म पद्मावत को भले ही सेंसर बोर्ड ने कई बदलावों के साथ पास कर दिया हो, लेकिन राजपूत समाज के विरोध के चलते बीजेपी सरकार राजस्थान में इसके प्रसारण पर अभी से पाबंदी लगा चुकी है। हालांकि इससे पूर्व राजपूतों के उग्र विरोध के बाद फिल्म के प्रसारण पर रोक की बात सीएम वसुंधरा राजे और गृह मंत्री कटारिया कह चुके हैं, लेकिन लिखित घोषणा या निर्णय अभी बाकी है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। और खबरों को देखने के लिए लॉगिन कीजिए हमारा चैनल।